तो उसे चाहिए था दुबई सऊदीया, तो ठीक है यहाँ तक तो विज़िट कर ले, उसके बाद डायरेक्ट तो उसे आना चाहिए लाहौर की वो भीड़ गली में विज़िट करना चाहिए, वहाँ पर हनीमून में आना चाहिए और क्या। अस्सलाम गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त खास एंड VIP आने वाली है, बिकॉज आज हम तीन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, टक्की भाई के बारे में, बबर आजम के बारे में एंड ETC और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ आपके लिए पंजाब क्रिकेट का यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आप चैनल पर पहली बार तो आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को अभी से ही चैनल को लाइक क्यों करते हैं, सब्सक्राइब कर दें नहीं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार तो आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ, तो अपने डक्की भाई जो हैं वो आज जा रहे हैं जी हनीमून पर एंड उसका सफर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लाहौर से कराची जाएंगे, कराची से सीधा दुबई जाएंगे। और सुनने में ये भी आया कि उन्होंने 6-7 जगहों पर उन्होंने जो प्लेसेज है वहाँ पर विजिट करना है, जिसमें मलेशिया, दुबई, सऊदीया पर उमरे पर जाएंगे, देन पाकिस्तान का भी उन्होंने विजिट करना है, श्रीलंका इधर उधर जाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने तक मेरा जो यार है, यार नहीं सॉरी, मेरा जो चवल यार है, सॉरी जिगरी यार है, वो जो अरे कहना क्या चाहते हो, तो कहे पाकिस्तान से आउट हो जाने वाला है और पाकिस्तान में जो है वो तरक्की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब तक मनहूस लोग जो होते हैं वो जल्द जल्द कूच करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पर उसे करना ये चाहिए था कि उसे चाहिए था ये जो जंगल शंगल के पाकिस्तान के ये हैं खूबसूरत, क्या कहते हैं, जंगल मड़ियाला, ये वो 2-3 है, तो उसे चाहिए था दुबई सऊदीया, तो ठीक है यहाँ तक तो विजिट कर ले, उसके बाद डायरेक्ट उसे आना चाहिए लाहौर की वो भीड़ गली में विजिट करना चाहिए, वहां पर हनीमून मनाना चाहिए और कराची की वो जो चौड़ी गली है वहां पर इसे जाके हनीमून मनाना चाहिए, क्योंकि सुना है कि वहां पर बहुत से लोगों के दिल मिले हैं, तो मे भी हो सकता है कि डक्की का भी वहां पर कोई ना कोई अच्छा दिल मिल जाए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, सो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बाबर आजम की, तो बाबर आजम से कोई गल नहीं, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सो आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि उनका जो सफर है वो सही गुजरे और रास्ते में कोई भी परेशानी मुश्किलात ना आए, अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो। एक्सक्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो मिनाल खान फैंस मूवमेंट विद PSL बॉयज, जी हाँ, तो मिनाल खान जो है वो मिली है जी हमारे इंटरनेशनल ब्रांड, जी हाँ, तो बाबर आजम से। जी हाँ, तो अगर हम थोड़ा सा जूम करके आंखों से देखें तो वहाब रियाज भी साथ में नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ PSL की जान पहचान डेरन सैमी भी साथ में नजर आ रहे हैं। सो व्हाट्स अ मोमेंट यार। एनीवेज अगली न्यूज़ की जाने बढ़ते हैं, शहनशाह अफरीदी ने गिफ्ट किया प्लाट टू क्लोर प्लेंदर टीममेट जलाल हुसैन को, तो बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट देना तो बहुत अच्छा होता है, चाहे ही को दो चाहे शी को दो, लेकिन यहाँ पर ही को गिफ्ट दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट नो कि ये गिफ्ट शिफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं और वो भी प्लाट, सो दिया है तो अच्छी बात है, कैरी ऑन योर बेस्ट। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार तो आके वीडियो पूरी देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि मजीद ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको इसी ही चैनल पर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।